हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने में दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है एमालगमेशन संयोजन। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जिसके अंदर हमने जो सम सॉल्व किया है उसी को आज कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि उस सम्स के अंदर एक मेथड का हमने सॉल्यूशन किया हुआ था जो हमारा परचेज खरीदी का था, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन करना है और उसके बाद कैसे बैलेंस शीट बनाया जाता है वो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था। वो जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि उसके बाद इसी सम्स के अंदर हम सेकेंड टॉपिक सीखने वाले जो हमारा मर्जर विलीनीकरण के टाइम कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा और उसके बाद कैसे न्यू बैलेंस शीट बनाया जाएगा वो हम सीखने वाले। क्योंकि कई बार सम्स में दोनों साथ में पूछा जाता है या एक दूसरे के ऑप्शन में पूछा जाता है कि आप इन दोनों में से कोई एक मेथड सॉल्व कीजिए, इसलिए मैंने दोनों वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड दो वीडियो के थ्रू ये सम्स कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वीडियो देखना कंपलसरी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा हम कौन सा सम सॉल्व कर रहे हैं, 2016 का हम सम सॉल्व कर रहे हैं। इसी के बेस पर आप 2007 का सम बिल्कुल यही अमाउंट के साथ पूछा गया तो वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा और जिसके बाद आपको ये सब सम प्रैक्टिस करने रहेंगे। इलस्ट्रेशन में 17, 2019, 21 के अंदर जनवरी में जो पूछा हुआ, 21 का नवंबर में। अगर इसमें से कुछ सम्स में आपको डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर कर दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मर्जर का सॉल्यूशन करने वाले। तो पहले बोलना चाहूंगा जो फर्स्ट कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं ये कॉमन कैलकुलेशन है, चाहे आप कोई भी मेथड का सॉल्यूशन कीजिए, चाहे परचेस का कीजिए, चाहे मर्जर का, खरीदी का या विलीनीकरण, पहले आपको ये कैलकुलेशन करना रहेगा। क्योंकि इसमें हम लोग करते क्या है, जो भी एडजस्टमेंट दिया गया प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और डिबेंचर का, इन तीनों का न्यू वैल्यूएशन हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं और इसके बाद हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं जो हमको सॉल्व करनी है। जैसे कि परचेज खरीदी में हमने ये कैलकुलेशन किया और ये कैलकुलेशन करने के बाद उसका बैलेंस शीट हमने बनाया। तो यहाँ पर मर्जर के टाइम भी, ठीक है, विलीनीकरण के टाइम भी ये कैलकुलेशन किया हुआ तो हमारे पास होना ही चाहिए, फर्स्ट यही कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए फर्स्ट वीडियो देखना कि कैलकुलेशन कैसे हुआ, आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि मर्जर विलीनीकरण में कैसा कैलकुलेशन किया जाएगा और उसके बाद बैलेंस शीट में क्या चेंजेस होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आपने फर्स्ट वीडियो देखा ही होगा। तो मर्जर विलीनीकरण के अंदर में कौन सा कैलकुलेशन करना रहेगा, फर्स्ट ये सबकी न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना रहेगा, ये न्यू वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के बाद जो जो यहाँ पर नवी कंपनी जो आयल लिमिटेड है उसने यहाँ पर जो हरेक को प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर को जो न्यू ऑफर दी थी, जो उनका न्यू वैल्यूएशन निकला है, वो न्यू वैल्यू और जो ओल्ड वैल्यू ऑलरेडी है उसका दोनों का हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है, दोनों का डिफरेंस तफावत निकालना है और तफावत के बेस पर हमें पता चलेगा कि आयल लिमिटेड को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा और जो नफो और खोट होगा वो उसको इफेक्ट करेगा बैलेंस शीट के रिजर्व में, उसकी कंपनी के रिजर्व अनामत में उसको इफेक्ट करने वाला है। जहां पर हमारे पास दो ही अनामत होती है, एक जनरल रिजर्व सामान्य अनामत और प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान, तो उस इन दोनों अनामत के अंदर हम उसकी इफेक्ट देने वाले हैं। प्रॉफिट होगा तो उस अनामत में प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ये प्रोसेस हमको करनी रहती है मर्जर विलीनीकरण के टाइम और उसके बाद हमें जो रिजर्व रहेगा अनामत उसका नया बैलेंस मिलेगा और वो नया बैलेंस हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखना है, बाकी सब सेम टू सेम ही रहने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो जैसे मैंने कहा पहले हमको डिफरेंस निकालना है, ओल्ड और न्यू दोनों के बीच का डिफरेंस, जिससे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है लॉस और उसका इफेक्ट देना है हमको जनरल रिजर्व, ठीक है, या फिर प्रॉफिट लॉस के ऊपर। तो चलिए पहले हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, ये हमारा पहले कंपनी समीर और दूसरा था रिमसा। तो यहाँ पर पहले ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस, तो सबसे पहले जो परचेस प्राइस में जो आता है खरीद कीमत में पहले उनका निकाल लेते और डिबेंचर का अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, तो शॉर्टकट लिखूंगा आप समझ जाएंगे, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर मोड़ी। तो पहले ओल्ड वाली लिखिएगा, हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं 10 लाख और 8 लाख, 5 लाख और या 3 लाख। ये हमारा इक्विटी का लिखा है मैंने यहाँ पर 10 लाख इसका था और रिमशा का 8 लाख था, क्लियर है। और वहीं पर प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 लाख था समीर का और इसका 3 लाख था, टोटल मान लीजिए तो यहाँ पर आएगा 15 लाख के ये शेयर होल्डर थे, 15 लाख और यहाँ पर 11 लाख। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना, न्यू वाला, न्यू मतलब जो आयल लिमिटेड ने जो ऑफर दिया था, जो नया वैल्यूएशन निकला वो हम लोग क्या करें, अलग अलग नहीं करें, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के हमारा पीसी बनता है, डायरेक्ट वही बनता है ना, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस को मिला गया, तो दोनों अमाउंट को डायरेक्ट प्लस किया हुआ अमाउंट डायरेक्ट लिखेंगे 18 लाख, तो समझ जाएंगे, या दोनों को प्लस कर लीजिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पीसी मतलब परचेस प्राइस, परचेस कंसिडरेशन, खरीद कीमत वाला हम लोग निकाल लेंगे।
तो ये 18 लाख समझ में आया होगा आपको, कैसे निकाला, न्यू वाला कहाँ से आया हुआ। और इसी तरह रिमसा का भी देख लीजिए, 13 लाख 20 हजार, वही दोनों प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने, सॉरी दोनों शेयर होल्डर को हमने प्लस किया हुआ है। तो ये दोनों की न्यू वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां पर लिखा हमने ओल्ड वैल्यू का टोटल और ये न्यू वैल्यू का टोटल, दोनों के बीच का क्या निकालना आपको, डिफरेंस निकालना है, तफावत। इससे पता चलेगा कि हमने ज्यादा पैसा दिया है कि कम पैसा दिया, जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो 15 में से 18 माइनस करोगे तो आपको देखो माइनस का 3 लाख मिलेगा, यहाँ पर लॉस हुआ है इस कंपनी का। सेकंड कंपनी के लिए भी जब उसने पैसा दिया तो यहाँ पर भी माइनस में निकल के आ रहा है 2,20,000। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक माइनस का एक प्लस में आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ग्रैंड टोटल कर लेना है, इन दोनों का मिला के ग्रैंड टोटल कर लेना है, क्योंकि आयल लिमिटेड को आखिर में क्या हुआ, ठीक है। तो 3 लाख और 2,20,000 दोनों माइनस का, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5,20,000 निकल के आएगा, ठीक है, जो हमारा एक तरह से क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा एक तरह से लॉस, माइनस में आया तो लॉस होता है, बट ये डिफरेंस आपको यहाँ रखना है, तफावत निकला जो हमारा इक्विटी और प्रेफरेंस का निकला। अब इसी तरह डिबेंचर का भी निकाल के हम लोग रख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिजर्व पर उसका इफेक्ट करेंगे, रिजर्व पे उसका, ठीक है, असर देंगे। तो यहाँ पर पहले डिबेंचर का भी हम लोग न्यू और ओल्ड कंपेरिजन कर लेते हैं। तो पहले ओल्ड की बात कर लेते हैं, दोनों कंपनी का मैं ऐड कर लेता हूँ। डिबेंचर देख लीजिए 1,50,000, तो 1,20,000 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये 1 लाख फर्स्ट का कंपनी का, सेकंड लाख कंपनी का 50,000 टोटल है, 1,50,000 साथ में न्यू वाला। तो न्यू वाला देख लीजिए कितना था डिबेंचर, 80 और 40, तो 1,20,000 हुआ न्यू फर्स्ट का, 80,000 और सेकंड का 40,000, या 1,20,000। यहाँ पर माइनस करने पर देखिए प्लस में आ रहा है 30,000, ये उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लिखिएगा डिफरेंस, तफावत करके लिखिएगा, बस समझने के लिए कि उसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को उसने कम प्राइस में उसको निपटा दिया, सेटलमेंट कर दिया, और यहाँ पे उसको ज्यादा देना पड़ा। अब ये दोनों अमाउंट का आपको इफेक्ट देना है कहाँ पर, उस आयल लिमिटेड की जो रिजर्व होगी ना, रिजर्व, रिजर्व के अंदर, अनामत के अंदर, जिसमें दो नाम होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ये कैलकुलेशन सबसे मेन है। उसके बाद हमें रिजर्व की न्यू वैल्यू मिलेगी, पहले आपको लिख लेना है जनरल रिजर्व की अनामत, सामान्य अनामत के ऊपर पहले उसका इफेक्ट देना है। उसका पैसा अगर खत्म हो गया, अगर लॉस हुआ है, उस लॉस को भरते भरते अगर अमाउंट नील होगी तो सेकंड प्रॉफिट लॉस पे आना है। लेकिन ऐसा हुआ कि इसकी अमाउंट अभी यूटिलाइज हुई नहीं पूरी, उसकी अमाउंट रिजर्व में अभी पैसा बचा है, तो प्रॉफिट लॉस पे आपको जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसका बैलेंस सेम इट इज ही रहने वाला है। तो जनरल रिजर्व पहले चेक कर लेते हैं, तो जनरल रिजर्व पूरा का पूरा 3 और 2, 5 लाख आएगा उसके पास। यहाँ पर अगेन मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, 3 लाख प्लस 2 लाख टोटल कितना है, 5 लाख, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे पहला जो डिफरेंस आया है वो, ठीक है, जो लॉस है माइनस 5,20,000। तो 5,20,000 उसमें हम लोग एडजस्ट करने के बाद भी माइनस का 20,000 अभी भी बच गया, मतलब जनरल रिजर्व पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। अभी 20,000 अभी भी उसका एडजस्ट करने के लिए, या बोल सकते उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए, मांडी वाडेल के लिए अगला रिजर्व कौन सा उठाएंगे, प्रॉफिट लॉस, नफा नुकसान का बैलेंस हमको यूज करना रहेगा, वो खाता हम यूटिलाइज करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान देख लीजिए, 120 और 80, टोटल 2 लाख, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो भी समझ जाएंगे, पर फिर भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये 120 फर्स्ट कंपनी का, सेकंड का 80, और टोटल प्रॉफिट लॉस का अमाउंट था 2 लाख, जिसमें माइनस करेंगे जो 20,000 अभी भी बाकी था लॉस का, वो 20,000 यहाँ पर माइनस कर दिया, इसके अकाउंट में 180 बचा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट और डिफरेंस को ही हमने टोटल रिटर्न ऑफ कर दिया, ठीक है, मांडी वाले। अब सेकंड का डिबेंचर का देख लीजिए, प्लस में आ रहा है, प्लस में आया तो प्लस करना है, माइनस में आया तो माइनस करना है। तो यहाँ पर डिबेंचर का जो डिफरेंस है उस बैलेंस में प्लस होगा, और प्लस होगा तो यहाँ पर न्यू उसकी वैल्यू बन जाएगी 2,10,000 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बैलेंस प्रॉफिट लॉस के नाम का बचा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस की नई वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर, नफा नुकसान के अंदर आपको 2,10,000 आपको लिखना है, जबकि जनरल रिजर्व आपका फिनिश हो चुका, नील हो चुका है, समझिए। कहीं पर ऐसा होगा कि पैसा जनरल रिजर्व का देते देते जनरल रिजर्व के अमाउंट के अंदर इन दोनों डिफरेंस का रिटर्न ऑफ हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट लॉस तक आने की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसका बैलेंस सेम इट इज, जो पुराना था वही नया वाला बैलेंस शीट में हम लोग दर्शाएंगे। लेकिन यहाँ पर जनरल रिजर्व जीरो हो चुका है, तो हमने प्रॉफिट लॉस का यूटिलाइज किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई क्वेरी लगती है ये हमने कैसे रिटर्न ऑफ किया तो कमेंट करना, और सारे सम्स में भी हम लोग इसको समझ पाएंगे। अब आते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो बस बैलेंस शीट मैंने वर्टिकल बनाई है, पहले से लिख रखा है, टाइटल मैंने नहीं लिखा हुआ है, सम्स में आपके पास होगा, यहाँ मेरे पास ओल्ड बुक है, टाइम सेव करने के लिए मैंने फटाफट जितने भी अकाउंट है वो सब मैंने लिख लिए, न्यू वैल्यू फिलअप कर दे दिया। तो इक्विटी की बारे में बात करते हैं, तो 10 लाख और 8 लाख आपको नहीं लिखना है, न्यू वाला लिखना है, जो अपने परचेस में दिखा है ना बिल्कुल वैसा ही आएगा, फिर भी मैं यहाँ से दिखा देता हूँ।
12 लाख और 9 लाख 60, ये हमारा इक्विटी की न्यू वैल्यू दोनों को प्लस कर लीजिए। ऐसा तो मैं आपको यहाँ एक बार लिख के भी बता देता हूँ, ऐसे लिखने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, दोनों का प्लस करेंगे 21 लाख 60 हज़ार इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं यहाँ पर, तो 6 लाख और 3 लाख 60, तो यहाँ पर 6 लाख और 3 लाख 60, तो न्यू वैल्यूएशन जो प्रेफरेंस होल्डर की अमाउंट बनेगी 9 लाख 60 हज़ार बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखिए, अब रीजन की बात है, आपको पता है परचेज खरीदी के मेथड में जिसमें हमने सीखा है, कोई भी रीजन अनामत लेते नहीं है, क्योंकि वो परचेज नहीं की जाती खरीदी के अंदर, वो गुडविल के बेस पर या कैपिटल रिजर्व के बेस पर वहां पर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन इस मेथड में सारा परचेज किया, सॉरी इस मेथड में मर्जर हो रहा है, ठीक है, आपस में दोनों मर्ज हो रही है, इसके लिए सारा रिजर्व भी इसमें आ जाता है, इसलिए तो हमने रिजर्व के ऊपर ही ये सब इफेक्ट दिया है। तो यहाँ पर सारे रिजर्व लिखने होते हैं, लेकिन न्यू वैल्यू के साथ जो हमारे पास बैलेंस बचा वही लिखना है, जिसमें आपको पता है जनरल रिजर्व सामान्य मत हमारा फिनिश हो चुका है। इन्वेस्टमेंट अलाउनेस ऐसा सेम टू सेम आपको लिख लेना, इन्वेस्टमेंट अलाउनेस रोकन वर्तर जो हमारा दिया गया है 80 और 20 सेम इट इज, ठीक है, इसमें यार हमें सारा रिजर्व लिखा जाता है, लिया जाता है 1 लाख, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस का 120 और 80 नहीं है, इसका न्यू वैल्यू जो हमने निकाला है ये आपको लिखना है, 2 लाख 10 हज़ार जो न्यू वैल्यू निकला है आपको, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, ये 2 लाख 10 हज़ार प्रॉफिट लॉस का लिखना है। इसके बाद जो बैलेंस बचा है ना प्रॉफिट लॉस का, वो आपको लिखना है, ओल्ड वाला नहीं लिखना, बस इस पे आपको ध्यान देखना है, ये अपना न्यू वैल्यू निकला है सारा कैलकुलेशन करने के बाद 2 लाख 10 हज़ार, बाकी तो सब सेम ईटीसी लिखा जा रहा है, कोई चेंजेस किए बिना। अगला हमारा डिबेंचर 1 लाख और 50, ये नहीं लिखना है, इसका न्यू वैल्यू हमने निकाला हुआ था, एडजस्टमेंट को सॉल्व किया था, 80 और 40 डिबेंचर का आया हुआ है कि नहीं हमारे पास, 80 और 40 तो कितना आएगा 120, यहाँ पर फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ जिससे इजीली आप समझ पा रहे हो, और फर्स्ट मेथड के अंदर भी आप इस तरह से समझ पाओगे कि सारी वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है, सिर्फ रिजर्व के ऊपर नया था टॉपिक वो आपको समझना था। करंट लायबिलिटी चालू देवा 3 लाख और 1 लाख, कोई चेंजेस हुआ नहीं है, सेम इट इज ही है, 3 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टोटल हो गया 4 लाख, और ठीक है, और कोई एंट्री आने वाली नहीं है, फिर भी लास्ट मंथ टोटल करेंगे, पहले एसेट्स की बारी कर लेते। अब यहाँ एक बात आपको नोट डाउन करने की सीखने की बात है, फिक्स एसेट जो कायमी मिलकत है, याद रखिए नीचे एडजस्टमेंट दिया गया है मार्केट वैल्यू बाजार कीमत, लेकिन परचेस में बाजार कीमत खरीदी के अंदर बाजार कीमत के अकॉर्डिंग न्यू वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन मर्जर के अंदर, ठीक है, विलीनीकरण में आपको न्यू वैल्यू नहीं लिखनी है, फेस वैल्यू जो दार्शनिक कीमत है ना, बुक वैल्यू बोलते हैं चौपड़ा कीमत, वही आपको लिखनी है, न्यू वैल्यू लिखना नहीं है, 20 और 10 ही लिखा जाएगा, 24 और 14 नहीं लिखा जाएगा, इस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, जो बुक वैल्यू थी ना आपको वही लिखना है मर्जर के टाइम, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, 20 लाख और 10 लाख सेम इट इज लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 लाख, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। अगला इन्वेस्टमेंट रोकन 2 लाख और 1 लाख सेम इट इज लिखना है आपको, 2 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल 3 लाख, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा उसके बाद इजी आपको लगेगा समझिए। करंट एसेट्स चालू मिलकर तो 2 लाख और 450, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज रहती है वो अपडेट की जाती है, और कोई वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर हमारा बैलेंस हो गया कंप्लीट, आप टोटल मान लीजिए, बस प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान का नया वैल्यू कैसा है वो आपको समझना था मर्जर विलीनीकरण में, टोटल आएगा हमारा 39 लाख 50 हज़ार, और एसेट्स में कोई भी चेंजेस किए बिना ओल्ड वाला ही टोटल आया है, कोई चेंजेस किए, बस यहाँ पर अगर 50 डेज अवास्तविक होता तो वो हट जाता, बाकी बैलेंस पूरा सेम इट इज आता ही है 39 लाख 50 हज़ार, ये हमारा हो गया कंप्लीट बैलेंस शीट। क्वेरी लिखते तो कमेंट करना, मर्जर का ये हो गया, आपको कैलकुलेशन समझ में आया ही होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैंने सम्स दिए हैं वो जरूर सॉल्व कीजिएगा, उसमें से अगर क्वेरी लिखते तो कमेंट कीजिएगा, और आप कॉन्सेप्ट बेस्ड इस चैप्टर का चाहते वीडियो तो मुझे कमेंट करना, उसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।